ये टॉपिक है तुम्हारा, देखो, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स का। तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या है? देखो, बूलियन अलजेब्रा इज़ अ मैथमेटिकल सिस्टम फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, तुम्हें पता दो ही वैल्यूज होती है, या तो जीरो होती है या वन होती है। तो दो वेरिएबल ले लो, एक्स या वाई। अब या तो एक्स जीरो होगा या वन होगा, वाई भी जीरो होगा या वन होगा। जीरो या वन से ऊपर तो वैल्यू रहेगी ही नहीं बूलियन में। तो इट कैन हैव ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज़। इन फॉर्मल लॉजिक दीज वैल्यूज आर ट्रू एंड फॉल्स। वन का मतलब होता है ट्रू और जीरो का मीनिंग होता है फॉल्स। और डिजिटल सिस्टम बोलते हैं जिसे, हम डिजिटल सिस्टम में दो वैल्यूज होती है, उसे बोलते हैं ऑन एंड ऑफ। ऑन का मीनिंग होता है वन, ऑफ का मीनिंग होता है जीरो। और आप इसे इलेक्ट्रिक टर्म में हाई और लो बोलते हैं। सिग्नल होता है ना, हाई सिग्नल है या लो सिग्नल है, ठीक है? तो ऑन ऑफ, हाई लो, वन जीरो, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी यूज कर सकते हो टर्म। तुम बूलियन अलजेब्रा में इन टर्म्स के सेम मीनिंग है, बट ये याद रखना ट्रू का मीनिंग वन है, फॉल्स का मीनिंग जीरो है, ऑन वन है, ऑफ जीरो है, ओके? और बूलियन एक्सप्रेशंस, देखो बूलियन अलजेब्रा सबसे पहले हम आज सीखेंगे, उसके बाद हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। बूलियन एक्सप्रेशन किसके थ्रू बनते हैं? दीज आर क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन बूलियन वेरिएबल। जो भी तुम बूलियन वेरिएबल ले रहे हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी वेरिएबल्स ले रहे हो, उनके कॉम्बिनेशन से हम आज एक्सप्रेशंस भी बनाएंगे। और एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए, तीन ऑपरेटर्स होते हैं, देखो, एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है? तो हमारे पास देखो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो बता दिया मैंने तुम्हें, बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो बताया तुम्हें, बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तीन ऑपरेटर हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो अब हमने क्या करना है बूलियन अलजेब्रा में, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आज सीखेंगे ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टीटी टेबल, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या करना है बेटे, देखो, सबसे पहले हम लेते हैं दो वेरिएबल x और y, और इसके बीच में हमने ऑपरेटर लगा दिया एंड ऑपरेटर, क्लियर है? और फिर हम लेते हैं x और y, और इसके बीच में हम लगा रहे हैं और ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, देखो, एंड ऑपरेटर आउटपुट वन तब देगा जब दोनों सिग्नल ऑन हो जाएंगे, या दोनों वैल्यू ट्रू हो जाएंगी, या दोनों वैल्यू वन रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करो, देखो, एक्स है, वाई है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट होता है एक्स वाई। एंड के लिए यहाँ पर एक्स और वाई इस तरह से लिखना, यानी कि बीच में डॉट लगा होता है, ठीक है? और में क्या करना है, एक्स प्लस वाई लिखते हैं। एंड का मतलब होता है डॉट, और का मतलब होता है प्लस। तो एक्स डॉट वाई का मतलब होता है एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है तुमने। इनपुट क्या है, एक्स और वाई। जब दो इनपुट होते हैं तो टू रेज टू पावर टू फोर कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो, जितने इनपुट उतने टू रेज टू पावर एन कॉम्बिनेशन होते हैं, ओके? तो यहाँ पर टू इनपुट हैं, एक्स और वाई इनपुट है आज हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर चार कॉम्बिनेशन बना लिए। वाई के लिए तुम लिख सकते हो सिंपली 0101, एक्स के लिए क्या लिखोगे, 2021। अगर तीन इनपुट हो जाएंगे तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा इनपुट में, तो फिर z की कॉलम, y का कॉलम और x का कॉलम कंप्लीट कर लेंगे हम। राइट नाउ टू इनपुट हैं तो फोर कॉम्बिनेशन है। और एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट वन तब आएगा जब दोनों इनपुट वन होंगे। तो जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर का आउटपुट। ये इनपुट है, देखो, ये आउटपुट है। इसी तरह से और को देखो, समझ लो कैसे करना है। ये एक्स है, ये वाई है, टू इनपुट है, फोर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की टेबल सेम ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बताया। और लगाना है तो प्लस का साइन लगाएंगे हम। और ऑपरेटर रिटर्न्स द आउटपुट वन व्हेन एनी एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज वन। एटलीस्ट का मतलब पता क्या होता है, कम से कम एक इनपुट वन आ गया ना तो आउटपुट वन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कम से कम एक इनपुट तो वन होता, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन। देखो, एक इनपुट वन आया, आउटपुट वन हो गया। वन प्लस जीरो वन, फिर से एक इनपुट वन है तो वन ही आएगा। वन प्लस वन, देखो दोनों ही इनपुट वन है, बेस्ट कंडीशन है तो आउटपुट वन ही रहेगा। तुम्हें याद हो बाइनरी एडिशन में वन प्लस वन जो होता है यहाँ जीरो होता था और कैरी में बन जाता है, तो उसको बाइनरी एडिशन मत बनाओ इसको, ये और ऑपरेटर है। मैं फिर से बता रही हूँ, और ऑपरेटर रिटर्न्स द आउटपुट वन व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज वन।
अगर एक इनपुट भी वन है तुम्हारा, तो तुम्हारा आउटपुट वन ही रहेगा, ठीक है। और एंड क्या करता है, एंड रिटर्न्स द आउटपुट वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। दोनों इनपुट, देखो तुमने लाइट ऑन करनी है, दोनों बटन ऑन होने चाहिए तो तब लाइट ऑन होगी। और ऑपरेटर क्या कह रहा है, दो स्विच हैं, दोनों में से एक ऑन कर दो कोई भी, तब भी लाइट ऑन हो ही जाएगी। तो ये और ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, बूलियन अलजेब्रा में नॉट। नॉट किस तरह से लगाते हैं, नॉट ऑपरेटर को लगाने के लिए मैंने तीन ऑपरेटर अभी तुम्हें बताए थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि कॉम्प्लीमेंट करना है। नॉट जिस किसी पे भी अप्लाई करोगे, चाहे वो वन वेरिएबल हो चाहे वो टू वेरिएबल हो, उसका आउटपुट कॉम्प्लीमेंट करना है। राइट नाउ स्क्रीन पर देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्स। तो इस नॉट एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। लाइक ये देखो लिखा हुआ है, द नॉट ऑपरेशन इज मोस्ट ऑफन डेजिग्नेटेड बाय एन ओवर बार। ओवर बार कैसे लगाना है, इस एक्स के ऊपर एक बार लगा दो। तो देखो एक्स वन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो कितनी वैल्यूज होंगी, टू रेस टू पावर वन, दो वैल्यूज होंगी। मैंने अभी तुम्हें बताया जितने वेरिएबल्स होते हैं टू रेस टू पावर एन, उतने कॉम्बिनेशन होते हैं। एन इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल, टू रेस टू पावर एन इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन द ट्रुथ टेबल। तो एन हमारा वन है, एक ही वेरिएबल है, टू रेस टू पावर वन टू, तो दो कॉम्बिनेशन है, या तो एक्स जीरो होगा या एक्स वन होगा। अब नॉट एक्स को कैसे लिखना है, एक्स के ऊपर बार, जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो कर दो, दैट मीन्स जस्ट कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। ये हमारे हो गए तीन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। अब आता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में देखो फर्स्ट हमारे पास है बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन हैज तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, एटलीस्ट वन बूलियन वेरिएबल। बूलियन फंक्शन में क्या होता है, देखो एटलीस्ट वन बूलियन वेरिएबल। देखो जिसे भी इंग्लिश अच्छे से आती है ना, बस एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग याद रखना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो दुनिया भर ही पड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना हमने। मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, देखो एटलीस्ट वन बूलियन वेरिएबल, कम से कम एक बूलियन वेरिएबल तो होना चाहिए, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते थे। एटलीस्ट वन बूलियन ऑपरेटर, एक बूलियन ऑपरेटर भी होना चाहिए। देखो ऑपरेटर तुम्हें मैंने अभी बताए तीन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर, तो तीनों में से कोई भी एक ऑपरेटर तो होना चाहिए था। एटलीस्ट वन इनपुट फ्रॉम द सेट जीरो और वन, कम से कम एक इनपुट भी होना चाहिए था। सेट क्या है, जीरो या वन का, मतलब या तो जीरो होना चाहिए था या वन होना चाहिए था। तो ये होता है बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन। नोट कर लेना अपनी अपनी नोटबुक में, बाद में वीडियो में से देख के, बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन, बूलियन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट दैट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सेट जीरो और वन। तो बूलियन फंक्शन जो भी आउटपुट तुम्हें देगा, उसका आउटपुट की वैल्यू सेट जीरो और वन में से ही आएगी। इसका मीनिंग ये है कि या तो वैल्यू जीरो होगी या वन होगी। बूलियन फंक्शन अभी मैं करवाऊंगी लेटर ऑन, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी। आज हम एलजेब्रा और लॉजिक गेट्स करेंगे सिवा। फंक्शन में क्या होता है, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं बूलियन फंक्शन, उसका आउटपुट जीरो या वन ही रहता है। तो बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स करेंगे अभी हम। थ्योरम्स अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी जो लॉजिकल की बुक है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की बुक, उसमें बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स दी हुई हैं। मैं थ्योरम्स ब्रीफ में कराऊंगी, ओके, तुम बुक में से देख लेना कैसे कैसे कर रखी हैं। तो इन थ्योरम्स को याद करना बेटा तुमने, ठीक है। याद करने का मतलब ये कि इन्हीं थ्योरम्स को हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे पेपर में होता है ना, कुछ फॉर्मूले यूज़ करने हैं तो उनको याद कर लेते और आगे वो यूज़ होते हैं, तो वैसे ही है, ये थ्योरम्स याद रखनी है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, देखो एक्स डॉट एक्स ये एंड है, और प्लस क्या है, और है, और अगर ऊपर बार लग गया तो वो नॉट है। तो x डॉट x इज इक्वल टू x होता है, करके देख लेना। x को 1 और 0 ले लो, अगर 1 ले रहे हो तो 1 डॉट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। अगर मैं x 0 ले लूँगी तो 0 डॉट 0 0 ही होगा। एंड गेट है ना, ये बीच में एंड ऑपरेटर है। तो थ्योरम 1 ये कहती है कि x डॉट x इज इक्वल टू x ही होगा। अगर तुम्हें कहीं x डॉट x दिख गया ना, तो तुम उसे x लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है कि x प्लस x इज इक्वल टू x है,
सिर्फ डॉट को एंड को और से रिप्लेस कर दो तो एक्स प्लस एक्स भी एक्स ही रहेगा, ये चीज़ याद रखना। थ्योरम टू क्या कह रही है, देखो एक्स डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, कुछ भी ले लो एक्स को, प्रूफ कर सकते हो तुम। देखो एक्स को ज़ीरो लो या वन लो, जब वो ज़ीरो से एंड ऑपरेटर जुड़ेगा ना तो वो ज़ीरो ही देगा, तो एक्स डॉट ज़ीरो ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, थ्योरम टू ये कहती है कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन है। तो मैं इन थ्योरम्स को याद करने का बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। देखो जिसे ये पार्ट समझ आता है ना, डॉट को प्लस से रिप्लेस कर बस, ठीक है। जिसे ये चीज़ समझ आ गई है, डॉट को प्लस से रिप्लेस करो और ज़ीरो को वन से रिप्लेस करो, याद रहेंगी दो बातें। देखो एक पार्ट याद रखना है, दूसरा उसी से ड्राइव कर लो। डॉट दिखाई दे रहा है तो प्लस लगा दो, ये समझ आता है, डॉट है तो प्लस लगा दो, ज़ीरो है तो वन लगा दो, वन है तो ज़ीरो लगा देना। तो जिसे ये पार्ट याद है वो इसको ड्राइव खुद कर सकता है। थ्योरम थ्री, थ्योरम थ्री का नाम है इनवॉल्यूशन लॉ। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ क्या कहता है, ये जो डैश दिखाई दे रहा है ना, ये बार ही होता है। लॉजिकल में तुम दोनों चीज़ें लगा सकते हो, डैश भी लगा सकते हो, डैश दिखाई दे रहा ऊपर, या बार लगा सकते हो। इनवॉल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट कि किसी भी वेरिएबल का तुम डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तो वो वेरिएबल खुद ही आ जाएगा। सीधी सी बात है, एक्स ज़ीरो लिया तुमने, तुमने ज़ीरो के ऊपर बार लगाया, बार का मतलब क्या, वन बना दिया तुमने ज़ीरो का, फिर वन के ऊपर फिर बार लगाया तो वो ज़ीरो ही तो रहा, तो एक्स ज़ीरो ही था, ज़ीरो ही रह गया। लेकिन एक्स के ऊपर डबल बार है, डबल बार का मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूशन थ्योरम। थ्योरम नंबर फोर, थ्योरम नंबर फोर हमारे पास है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव क्या कहता है, देखो एक्स डॉट वाई ब्रैकेट में है डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई और जेड ब्रैकेट में आ गए, ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हमारे पास तीन बुलियन वेरिएबल है, अगर तुम देख रहे हो एक्स वाई जेड थ्री बुलियन वेरिएबल है, एंड ऑपरेटर भी लगा हुआ है, ओके। एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू ले लेना, सिर्फ वन और ज़ीरो में से लेनी है, बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन का मतलब क्या होता है, बाइनरी वैल्यूज, तो ज़ीरो या वन ही लेनी है, कुछ भी ले लेना एक्स वाई जेड को ज़ीरो वन में से, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके देखना आज अपनी कॉपी पे। एसोसिएटिव सेकंड पार्ट क्या कहता है, डॉट को प्लस से रिप्लेस कर दो, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी डॉट को प्लस से रिप्लेस करो। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या स्टेट करती है, देखो एक्स डॉट ये एंड ऑपरेटर है, वाई प्लस जेड तो ब्रैकेट में है वाई प्लस जेड, यानी कि वाई और जेड कुछ भी ले लो, ज़ीरो या वन, वाई ज़ीरो ले लो, जेड वन ले लो, या वाई वन ले लो, जेड वन ले लो, कुछ भी ले लो, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो वाई प्लस जेड को जो भी आउटपुट आएगा उसको एक्स के साथ एंड करना है, ऑपरेटर को उस आउटपुट को तुमने इसके साथ कंपेयर करना है। आज तुम सबने क्या करना है, आज वाली असाइनमेंट जो तुम्हें मैं दे रही हूँ, ट्रुथ टेबल बना लेना। ट्रुथ टेबल के अंदर एक्स वाई जेड तीन इनपुट वेरिएबल ले लेना, तीन इनपुट वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2^3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन वाली टेबल बनाना एक्स वाई जेड से। लेफ्ट हैंड साइड को कर लेना वाई प्लस जेड करना सबसे पहले, फिर एक्स से एंड कर लेना उसका, फिर राइट हैंड साइड लिखनी है एक्स डॉट वाई करना, फिर एक्स डॉट जेड करना, और इन दोनों को ऐड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को आज तुमने अपनी कॉपी पे करके मुझे सेंड करना है गूगल क्लासरूम में, ओके। कोई भी एक पार्ट ले लेना दोनों में से, मैंने दो पार्ट्स लिखे हैं ना यहाँ पर, डॉट को प्लस से रिप्लेस करना है, प्लस को डॉट से रिप्लेस करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का कोई भी एक पार्ट कॉपी में करना है बाय ट्रुथ टेबल मेथड। एंड ऑपरेटर मैंने तुम्हें बता दिया है, और ऑपरेटर भी समझाया है, आउटपुट वन कब आता है, ज़ीरो कब आता है, तीन इनपुट वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड, 2^3 8 कॉम्बिनेशन वाली टेबल बना लेना, सबसे पहले जेड फिर वाई फिर एक्स, जेड में 010101, वाई में 2021 2021, एक्स में 4041, उसके बाद ऐड करना, फिर एंड करना पूरे आउटपुट पर। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, जो मैं तुम्हें आज असाइन, ये पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। तो ये हमारी 4 थ्योरम होगी बच्चे। नेक्स्ट थ्योरम होती है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या स्टेट कर रही है, देखो कि एक्स डॉट वाई, तुमने x और y को एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर बिगनिंग में मैं करवा चुकी हूँ, नोट कर लेना अपनी अपनी कॉपी में बेटा, x डॉट y
डैश लगा दिया, डैश का मतलब बताया था मैंने अभी, नॉट लगा दिया यानी कि तुमने इसके ऊपर बार कर दिया। अब एक्स और वाई कुछ भी हो, मान लो एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो क्या हुआ, जीरो। अब जीरो के ऊपर बार लग गया तो ये वन बन गया। लेफ्ट हैंड साइड याद रखना वन बताई मैंने तुम्हें अभी। ये कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन कहीं पर भी दिखाई देना तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो, एक्स डैश प्लस वाई डैश। तो एक्स मैंने जीरो लिया था, जब डैश करेंगे बार करेंगे तो वन बन जाएगा। वाई मैंने जीरो लिया है, वाई पे बार करेंगे तो वाई भी वन बन जाएगा। तो वन प्लस वन क्या होगा, वन ही होगा, वन प्लस वन और ऑपरेटर क्या कहते हैं, वन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इनको प्रूव कर सकते हो। डी मॉर्गन थ्योरम याद कर लेते हैं। देखिए एक्स डॉट वाई का डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश, और डॉट को प्लस से रिप्लेस कर लो, एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। इसको सेकंड फॉर्म में इसी तरह से बार लगा के बता रखा है, मैं डैश से बता रही थी, बार से भी कर सकते हो। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन लॉ, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ये लॉ के नाम याद रखने हैं बच्चों सब तुमने, जो जो मैं बता रही हूँ, जिनके नहीं है वो एज इट इज़ एक्सप्रेशन लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अगर तुम एक्सप्रेशन में रिप्लेस करोगे ना तो एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तुम वहाँ बता सकते हो। लेकिन इन्वॉल्यूशन लॉ का नाम लिख सकते हो, एसोसिएटिव का लॉ नाम दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डी मॉर्गन है, एब्जॉर्प्शन है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है, देखो एक्स डॉट एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई करो और फिर डॉट लगा दो एक्स के साथ, इज इक्वल टू एक्स ही होगा, करके देख लेना ट्रुथ टेबल में इसे, ओके। और एक्स प्लस एक्स डॉट वाई अगर कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट का मतलब समझते हो कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, अगर ब्रैकेट नहीं होती तो दिक्कत थी कि किसको पहले सॉल्व करें, फिर सोचना पड़ता, लेकिन ब्रैकेट लगी हुई है, क्लियर है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इज इक्वल टू एक्स। तो कॉपी पे आज डिस्ट्रीब्यूटिव का और एक एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, दोनों कॉपी पे चेक कर लेना कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेसिक थ्योरी है बूलियन अलजेब्रा की, जो मैंने अभी लॉज बताए हैं ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, नोट कर लेना। ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो है, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए है, ए बार इज इक्वल, ए इज इक्वल टू ए, ए कैन बी जीरो और वन, ये सारे लिखे हुए हैं, ओके। अब आता है ड्यूअलिटी थ्योरम क्या होती है, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी दो नंबर में क्वेश्चन आता है, ड्यूअलिटी थ्योरम बतानी है तुमने। ड्यूअलिटी थ्योरम ये कहती है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन तुमने बना रखा है तुम उसका ड्यूअल क्रिएट कर सकते हो। ड्यूअल का मतलब समझते हो कि उसको कॉपी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कॉपी कैसे बनानी है, फर्स्ट रूल रिप्लेस एंड बाय और, सेकंड रूल रिप्लेस और बाय एंड, थर्ड रूल वन को जीरो से चेंज करो, फोर्थ रूल जीरो को वन से चेंज करो। ये चीज़ तो मैंने अभी बताई थी तुम्हें, है ना। तो बूलियन थ्योरम में ड्यूअलिटी थ्योरम किस तरह से बनी हुई है, देखो इन चीज़ों को याद रखना है तुमने। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो इस एग्जाम्पल पे देखो, एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डैश, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बूलियन वेरिएबल्स हैं, एंड है और है, और जो भी वैल्यू लोगे जीरो और वन में से लोगे, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है। अब इसको ड्यूअल क्रिएट करना है, ड्यूअल कैसे क्रिएट करना है, जहाँ पर ये डॉट है, जहाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना एक्स वाई डैश, ये बीच में डॉट होता है, तो डॉट को प्लस से रिप्लेस करना, प्लस और है इसको एंड से रिप्लेस कर लो, ओके। वन है तो जीरो से कर देना, जीरो है तो वन से कर देना, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई डैश, ये प्लस का क्या बन जाएगा, डॉट, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर प्लस की जगह डॉट, फिर वाई प्लस जेड डैश। तो इस तरह से तुम ड्यूअल क्रिएट कर सकते हो। इसमें भी तुम खुद देख लेना, ये जो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है, एक्स प्लस वाई डैश जेड प्लस जीरो, तो ये चेंज कर रखा है यहाँ पर, ये इसका ड्यूअल क्रिएट किया होगा, ओके। तो ये टेबल बनी हुई है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये मैंने बता दी तुम्हें। डी मॉर्गन्स थ्योरम को यहाँ तुम देख सकते हो, ट्रुथ टेबल से प्रूव कर रखा है, ट्रुथ टेबल में बता रखा है डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्या है, ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश है। तो इस तरह से तुम देख लेना ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है, ए और बी इनपुट लिया, ए प्लस बी भी कर दिया, फिर ए प्लस बी का डैश किया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई तुम्हारी। लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश डॉट बी डैश होता है। अभी मैंने बताया था, मैं तुम्हें पीछे का ये रखो, ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश होता है। तो सबसे पहले ए प्लस बी किया, फिर ए प्लस बी का डैश किया, मतलब नॉट लगा दिया, जीरो है तो वन कर दिया, वन है तो जीरो कर दिया। राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए, देखो ए डैश डॉट बी डैश,
ए का कॉम्प्लीमेंट, बी को नॉट लगा दिया, फिर इन दोनों में एंड गेट लगा दिया, एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो ए डैश डॉट बी डैश। यहाँ से तुम देख सकते हो ए प्लस बी डैश का जो आउटपुट है इज इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश। तो तुम डी मॉर्गन्स थ्योरम को ट्रुथ टेबल मेथड से प्रूव कर सकते हो। ओके, ये हमारा है ट्रुथ टेबल मेथड। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होगी हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं देखो, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ वन इफ एंड ओनली ऑल द इनपुट सिग्नल आर ऑल्सो वन। ये किसके लिए लिखा हुआ है? एंड गेट के लिए लिखा हुआ है। ये मैंने तुम्हें अभी बताया है कि दोनों इनपुट सिग्नल क्या होने चाहिए, सभी के सभी इनपुट सिग्नल वन होने चाहिए, तो वो एंड गेट है। इट इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के थ्रू हम इसको दिखाते हैं। तो ये हमारा एंड गेट का डायग्राम है, नोट कर लेना अपनी अपनी कॉपी पे बेटा। ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, देखो इस तरह से डायग्राम बनाना है इसका एंड गेट का। ये इस तरह से डी शेप में बनाना है, इसको बोलते हैं एंड गेट, ये डी शेप में। ओके, ए इनपुट, बी इनपुट और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन और ये डी बनाना है, ये होता है एंड गेट। और ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल ये हमने कर रखी है। 1.1 इज इक्वल टू 1 होता है, बाकी सब 0 है। अब आता है और गेट। और गेट के बारे में मैंने तुम्हें भी बताया, देखो जो तुमने ऑपरेटर बताया ना वो गेट है। और गेट में क्या है, आउटपुट 1 कब होगा? इफ एनी ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज 1, कोई भी एक सिग्नल 1 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा और गेट देखो कैसे बनाते हैं। ए और बी इनपुट है, ये थोड़ा सा शेप कर्वी करनी है, यहाँ से कर्व देना है और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना। देखो जो एंड था वो डी शेप में था, लेकिन और कैसा है, कर्व देना है और उसके बाद इसको ऐसे ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करते टाइम तुम थोड़ी वी शेप भी दे सकते हो, लाइक यहाँ से कर्व हाफ सी ड्रॉ किया और यहाँ से वी बना सकते हो। तो ये और है, सिंबल याद, डायग्राम याद रखना है क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का डायग्राम अलग है और का डायग्राम अलग है। ये ट्रुथ टेबल हम कर चुके हैं तो ये और गेट हो गया। ओके, अब आता है नॉट गेट कैसे बनाना है। नॉट मैंने तुम्हें बता दिया है, इट इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। नॉट गेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट। तुम्हारे इनपुट को क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। तो नॉट गेट इस तरह से बनाना, देखो ए इनपुट है, ये ट्रायंगल बनानी है, इस तरह की ट्रायंगल, स्टैंडिंग ट्रायंगल नहीं जो तुम मैथ्स में बनाते हो, ये हॉरिजॉन्टल वाली ट्रायंगल बनानी है और इसके आगे एक सर्कल लगाना है। ओके, इसको बोलते हैं नॉट गेट। तो ज़ीरो इनपुट है तो वन आएगा, वन है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास नॉट गेट तक। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक कवर करते हैं हम, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स।